किसी रिसर्च की पार्टिसिपेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल आजकल बहुत सारी रिसर्च में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है विच इज़ वेरी अनएथिकल उनके कंसेंट के बगैर उनको डिब्रीफ के बगैर हम किसी भी रिसर्च का पार्टिसिपेंट उन स्टूडेंट्स को नहीं बना सकते इंफॉर्म कंसेंट एंड प्राइवेसी ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी असेंशल सो so, uh, पहला प्रिंसिपल जो है उसका फोकस जो है वो एक ह्यूमन सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट के ऊपर है चाहे वो कोई एडल्ट है या वो बच्चा है या वो कोई ओल्ड एज पॉपुलेशन में से हम कोई रिसर्च कर रहे हैं सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उसकी रिस्पेक्ट को उसकी डिग्निटी को uh, पूरी तरह से रिस्टोर रखें और हम उसको एक जस्टिस के साथ एक रिसर्च का पार्टिसिपेंट बनाएं सो दिस इज़ द वेरी मच प्रिंसिपल विच इज़ बींग नरेटेड इन Belmont report uh, for the very first time. The second important principle is beneficence. Beneficence kya hai ki use of best possible research design to maximize the benefits and minimize the harm. अगर हम रिसर्च को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं जिसमें चाहे वो कितना ही crucial experiment क्यों ना हो उसके benefits हर सूरत उसके harm से ज़्यादा होने चाहिए दिस शुड बी वन ऑफ द वेरी बेसिक बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेकिंग एनी एक्सपेरिमेंट लाइव इसके बगैर हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन नहीं करना चाहिए रिसर्चर शुड अवॉइड द रिसर्च दैट इज़ विदाउट अ फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो अब अगर हम किसी सोशल uh, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें हम uh, बच्चों के ऊपर एक रिसर्च करें उनका कोई बिहेवियर असेस करने के लिए और हम उस रिसर्च में ये देखते हैं कि हमारे uh, Uh, जो टॉडलर्स uh, हैं वो इन्वॉल्व हैं फॉर इंस्टेंस अ डेप परसेप्शन स्टडी वुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट जिसमें एक बच्चा एक टेबल के एक एच पर आकर रुक जाता है uh, वो क्रॉलिंग बेबी और उससे आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको आइडिया है कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगा बट वैन दीज द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डेप परसेप्शन वॉज मेड विदाउट हैविंग द कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग दैम फेवरेबल सिचुएशन जिसमें उनके लिए कोई सेफ्टी मयर्स ना लिए गए हों बच्चों पर इस तरह की रिसर्च करना इलीगल होगी so, ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में पहले सेफ्टी मयर्स को इंश्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसके रिस्क को कम करेगा और उसके बेनिफिट रेशो को ज्यादा करेगा थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज जस्टिस सब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड ऑन एन इक्वल बेसिस बींग एक्वेटेबल ह्यूमन बींग्स हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ कुछ वर्नरेबल पॉपुलेशन को कुछ पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप्स को आ, कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोगों को जो मे बी किसी वजह से प्रिजन में हैं या किसी ख़ास किस्म के हालात का शिकार हैं हम उनके ऊपर कोई रिसर्च करें पास में अभी हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे कि इस तरह की रिसर्च भी होती नहीं जिसके अंदर आ, प्रिजन में मौजूद लोगों को कैंसर सेल्स जो लाइव कैंसर सेल्स थे वो उनके स्किन में एंटर किए गए और उसके ऊपर उनके एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो जस्टिस इज़ इक्वली डिफरेंट टू दैट कि आप किसी भी ऐसे ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह की रिसर्च कर सकें नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दैट हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस ऑल दीज थ्री प्रिंसिपल्स लाइक प्रिंसिपल वन जो है वो हमें रिस्पेक्ट की बात कर रहा है प्रिंसिपल टू जो है वो बेनिफिट सेंस यानी रिस्क बेनिफिट रेशो को असैस uh, करने की बात कर रहा है और जो नंबर थर्ड है वो जस्टिस की बात कर रहा है देर मे बी सच सिचुएशंस फिर वी नीड टू सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस ऑल ऑफ थ्री अगर हम रिस्क बेनिफिट देख रहे हैं शायद कहीं पर रिस्पेक्ट कम्प्रोमाइज़ हो रही हो अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देख रहे हैं मे बी कहीं पर जस्टिस कम्प्रोमाइज हो रहा हो शायद सात लोगों की जान बचाने के लिए एक बंदे की जान को खतरे में डालना रिस्क बेनिफिट रेशो में तो फिट एंड हो रहा है लेकिन जस्टिस में नहीं हो रहा इसी तरह मे बी इट इज़ नॉट इक्वल टू रिस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग सो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस

कितना रिस्क इन्वॉल्व है और उस रिसर्च के पोटेंशियल इम्प्लिकेशंस या उसके फायदे क्या होंगे क्या हम बच्चों को उस रिसर्च का पार्ट बना के किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं या हम बच्चों को उस रिसर्च से बाहर निकालकर उस रिसर्च के पोटेंशियल बेनिफिट से डिप्राइव कर रहे हैं दीज आर दिचुएशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर टू अवैल्यूट ऑल दोस्ट नाइन टू अपलोस्ट फोर्टी हैव पास एंड बेलमोट रिपोर्ट की पब्लिकेशन के बाद कॉन्टीन्यूसली उसकी इम्पोर्टेंस और उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर बात होती रही है क्योंकि जो तीन प्रिंसिपल इस रिपोर्ट के थ्रू आइडेंटिफाई हुए वो आज भी हर बिहेवियरल साइंटिस्ट के लिए हर सोशल साइंटिस्ट के लिए और मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस रखते हैं और आज भी जब क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं तो बेलमोट रिपोर्ट के इन तीन प्रिंसिपल्स को ज़रूर आउटवेट किया जाता है और उसके बग़ैर कोई भी रिसर्च एग्जीक्यूट नहीं हो सकती